उन्नाव मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी पीड़ित पत्नी पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें कि पूरा मामला उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी महिला का है, जिसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि महिला का और एक युवक दोनों का 4 साल से रिलेशनशिप में थे। 10 महीने पहले उनकी शादी हुई, लेकिन अब पति महिला को साथ रखने के लिए राजी नहीं है। से पीड़ित होकर महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और इस संबंध में जानकारी दी। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से आई? मेरा मायका इधर बीघापुर से है, ससुराल इधर मोरावा लोहरा मोगाँव है। क्या मामला है? मामला ये है सर कि महिला थाने में हमने रिपोर्ट लिखा, वहाँ पे मेरी FIR नहीं करी जा रही है। वहाँ के जो इंचार्ज है, वहाँ ने गाली गलौज करके भगा दिया वहाँ से। इंचार्ज जो महिला थाना के इंचार्ज हैं। क्या कहती हैं जवाब? वो कहती हैं कि चाहे FIR का मेरा सामान, शादी जब मेरी हुई थी तो मेरा सामान वहाँ पे रखा है प्रयाग नारायण खेड़ा में, तो वो कहती चाहे सामान लो चाहे FIR करवा लो, कहती तुम्हारी शादी हवाई है, झूठ है, ऐसा बोल रही है वो। कहाँ शादी हुई थी? मेरी कोर्ट में शादी हुई थी 16 अगस्त 2023 को। पहले मार्च में शादी हुई थी मंदिर में, तो उसके बाद इनके घर वालों को पता चला कि हम और सौरभ मतलब रिलेशन में हैं, तो उसके बाद सौरभ ने उस यारी दिखा के फोटो मंदिर की शादी डिलीट कर दी। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं बचा कि मेरी शादी हो गई, तो हमने फिर इनके ऊपर केस किया। केस करने के बाद इनके ऊपर 376 लग गया। 376 लगने के बाद इन्होंने आके हमसे शादी कर ली 16 अगस्त 2023 को, रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका यहाँ को उन्नाव कोर्ट में। अब क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं उस सामने वाले को सजा मिले, जो भी उसने मेरे साथ गलत किया है। 4 साल रहने के बाद तब उसने शादी से मना किया, फिर 376 लगने के बाद फिर उसने शादी करी, अब वो छोड़ दिया है मुझे, घर के बाहर निकाल दिया, मेरा कोई सामान भी नहीं दे रहा है वो कमरे का। उनके घर भी गए थे तो उनके घर वालों ने मुझे बैलगाड़ी में रात भर सुलाया, उसके वीडियो भी मेरे फ़ोन में है। किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? हम इस तरह उस जो इनके घर वालों को और सौरभ को सजा मिले, इन्होंने मेरे साथ इतना गलत कर रखा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।